डोसेटेक्सल एक प्रमुख कीमोथेरेपी ड्रग है जो कैंसर के इलाज में प्रयोग होती है। यह एक टैक्सिन क्लास की दवा है जो कैंसर को रोकने और इसके फैलाव को कम करने में मदद करती है। डोसेटेक्सल को अक्सर स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और पेट के कैंसर जैसे कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यह दवा शरीर के कोशिकाओं की विकास और वृद्धि को रोककर कैंसर को नष्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा इस दवा के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली कीमोथेरेपी ड्रग डोसेटेक्सल के साइड इफेक्ट को नैनो तकनीकी से कम किया जा सकता, इस बात का खुलासा KGMU के रेस्पिरेटरी विभाग के डॉक्टर अजय कुमार के शोध में हुआ है। हमारी रिसर्च लंग कैंसर के बारे में है। लंग कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है। पहले ओल्ड एज में होता था, लेकिन बढ़ते हुए स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में लंग कैंसर देखा जा रहा है। तो इसमें जो कीमोथेरेपी जो ड्रग्स यूज होती थी, उसकी एक ड्रग है डोसीटैक्सल, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। उसके लिए हमने जो एक नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू एक हमने अभी प्रिलिमिनरी स्टडी की है, उसमें इस तकनीक से इस जो कीमोथेरेपी है डोसीटैक्सल, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं और ये कैंसर सेल पे ही काम करती है ज़्यादा, और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। लंग कैंसर आमतौर पे जो स्मोकिंग की हैबिट है उससे और एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से हमारे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, जिसको हम लंग कैंसर कहते हैं। और ये शुरू में क्या होता है कि ये TB से मिलते जुलते लक्षण होते हैं, तो कई बार डायग्नोसिस लेट बनती है और मरीज हमारे पास एडवांस स्टेज में पहुंचता है, जिसमें सर्जरी नहीं हो पाती है और कीमोथेरेपी के द्वारा हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं।